नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कुरुक्षेत्र में एनएलओ ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित किया। रैली में जहां बीजेपी के नेता पहुंचे, वहीं गुड़गांव से कांग्रेस सांसद राविंदरजीत सिंह ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। रैली में बसपा नेता रहे पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र लाल, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के 4 बार राष्ट्रीय महासचिव रह चुके पानीपत के हवा सिंह भिंजोल ने अपने समर्थकों के साथ इनेलो में शामिल होने का ऐलान किया। कुरुक्षेत्र में चौधरी देवीलाल के 100वें जन्मदिन के मौके पर इनेलो ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित किया। रैली में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो पहुंचे ही, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी हरी पगड़ी में दिखाई दिए। और जैसा कि कहा जा रहा था, रैली में गुड़गांव से कांग्रेस सांसद राविंदरजीत सिंह भी पहुंचे। प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी और इनेलो को गठबंधन दल के साथ दिल मिलाने की खुली अपील की। बादल ने साफ कहा कि शर्म हया छोड़कर बीजेपी और इनेलो एक मंच पर आएं और गैर कांग्रेसवाद का झंडा बुलंद करें। इस पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बादल हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, इसलिए गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार वो उन्हें सौंपते हैं। यानी चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन को खुले दिल से हरी झंडी दी। कि मैं नकवी साहब से और चौटाला साहब से कहना चाहूंगा, इस कांग्रेस का सफाया करने के लिए आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। आज फिर ये लोग आपको इस बात के लिए अधिकृत करते हैं कि जो फैसला आप कर देंगे हम करते हो फैसला मंजूर होगा। हम आपके किए फैसले पे करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी अपने संबोधन में संभल कर बोलते दिखे। चूंकि हरियाणा में अभी उनकी पार्टी का गठबंधन हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ है, इसलिए उन्होंने शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर किया, लेकिन गैर कांग्रेसवाद पर सभी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया। ये कोई बदलाव की केवल रैली नहीं है, ये तो जन क्रांति का एक दीवाने यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज लोगों में एक आक्रोश है, गुस्सा है, महंगाई, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, अहंकार, ये सारी की सारी चीजें सर चढ़ कर बोल रही है। निगाहें गुड़गांव से सांसद राविंदरजीत सिंह पर भी टिकी थी, शायद इसलिए वो भी संभल कर बोलते दिखे। और उन्होंने बार बार सफाई दी कि इस मंच पर उनके आने का राजनीतिक अर्थ ना निकाला जाए, पारिवारिक रिश्ते के नाते वो यहाँ पहुंचे हैं। अहिरवाल की परंपरागत पगड़ी पहने राविंदरजीत सिंह ने सरेआम हरी पगड़ी को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। और ये मेरा यहाँ आना कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। जो हमारे पुराने परंपरागत खानदानी रिश्ते हैं उसकी वजह से, और मैं अपने बचपन की याद दोबारा से हरी करने के लिए आज स्टेज के ऊपर उपस्थित हुआ। साल 2014 में आम चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। वक्त ज्यादा नहीं है, लिहाजा रैलियों के दौर शुरू हो चुके हैं। बीजेपी की रेवाड़ी रैली में नरेंद्र मोदी शिरकत कर चुके हैं। वहीं इनेलो ने भी अपने 2 बड़े नेताओं ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला की गैर हाजिरी में भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया। अब बारी कांग्रेस की है, जो 10 नवम्बर को गोहाना में रैली कर इनका जवाब देने की तैयारी में है। इन सब के बीच बदलते सियासी समीकरण क्या करवट लेते हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इनेलो महासचिव और प्रवक्ता अशोक शेरवाल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंचकुला बीजेपी अध्यक्ष विशाल सेठ भी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतिरिक्त मीडिया एडवाइजर केवल ढींगरा हमारे साथ हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, जिस ऐतिहासिक रैली की आप बात कर रहे थे, क्या ये रैली आप जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसी ही हुई है? निश्चित तौर पर जितनी उम्मीद हमने कुरुक्षेत्र रैली के लिए हमने सोचा था, उससे भी कहीं उस उम्मीद से भी ज़्यादा कुरुक्षेत्र के पावन धरती पर जो जन सैलाब उमड़ करके आया वो देखने को बनता था। और सभी चैनल ने भी वहाँ से लाइव दिखाया है और लगभग 10-10 किलोमीटर तक जाम में फंसे हुए लोग थे। जितने पंडाल में थे 5-5 किलोमीटर तक दूरी पर लोग फंसे हुए थे, सड़कों पर थे, तो पंडाल में के यानी कैपेसिटी से भी, यानी के जो कैपेसिटी में नहीं आए वो उनको बाहर निकलना पड़ा, बाहर बैठना पड़ा। काफ़ी सारे नेता भी आज आप इनेलो में शामिल हो गए हैं।
बिल्कुल जी, जाकिर हुसैन जी पार्टी में शामिल हुए हैं, और जी जैसा कि पहले से विधिवत रूप से निश्चित था, मांगेराम गुप्ता जी भी विधिवत रूप से शामिल हुए हैं, केएल शर्मा जी भी शामिल हुए हैं पार्टी में इस आंदोलन के अंदर, और दूसरे भी बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हुए हैं कांग्रेस के, तो, और हाँ जी, तो ये आज लोगों का मन बदला है, जो हालात आज पैदा हो, यानी जैसी अपेक्षा आप कर रहे थे रैली की वैसी हुई है, बिल्कुल निश्चित तौर पे उससे भी कहीं ज़्यादा हुई है, और ये एक बदलाव का एक संकेत है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज जनमानस आज हर वर्ग कांग्रेस से आज दुखी है, और जो हालात आज कांग्रेस ने देश और प्रदेश के अंदर हालात पैदा कर दिए हैं, इससे निजात पाने के लिए लोगों ने आज मन बनाया है, जो हालात आज जो जिस प्रकार से आज रैली के अंदर देखने को मिले हैं। विशाल जी, बीजेपी का स्टैंड समझ नहीं आ रहा, मुख्तार अब्बास साहब पहुंचे हुए थे रैली में, वैसे तो आपका गठबंधन हजका के साथ है, जब हजका की बात होती है तो अभय चौटाला कहते हैं कि हजका का साथ छोड़िए तो फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। ऐसा जी, देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसे बार बार हम प्रेस के अंदर किसी और तरीके से पेश करें या कुछ करें, इससे कोई हमारे बीच में कोई संशय फिर इस रैली में दिखने का मकसद, मैं बता रहा हूँ जी आपको, पूरा करने दो, हमारा गठबंधन हजका के साथ है और वही रहेगा, ये अपना राजनाथ जी और सुषमा जी और गडकरी जी तीनों भी पीछे सोनीपत की रैली में इसे कंफर्म करके गए हैं, इस पर मोहर लगा कर गए हैं। देखिए जो चौधरी देवीलाल जी हैं वो एक देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया है, किसानों के बहुत बड़े नेता रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो किसानों के लिए उन्होंने काम किया शायद ही किसी और नेता ने किया हो, इस बात को कोई भुला नहीं सकता। तो ऐसे लोग जो एक पार्टी लेवल से उठकर एक देश के लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में जो आ जाते हैं, तो उन लोगों के जन्मदिवस पर हम सब इस प्रकार से, हम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, वो कांग्रेस के थे, तो इसका ये मतलब थोड़ा हमारा गठबंधन कांग्रेस से हो गया। यानी रैली में पहुंचने का मकसद सिर्फ देवीलाल जी की वजह से, देवीलाल जी का, हाँ, उनके सम्मान में हमने उनके जन्मदिवस पर उसमें शिरकत की। केवल जी ये जो एकजुटता दिखाई दे रही थी, इतने सारे नेता मंच पर थे, कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया, आह्वान किया गया, कांग्रेस को डर है अब? कोई डर नहीं है कांग्रेस को, बेसिकली ये रैली भी मजबूरी में कर रहे हैं, इनकी दो नंबर की लड़ाई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे चौटाला हो, ये तो अपना सब देख रहे हैं कि भाई हम किस उसमें आते हैं, नंबर दो कौन होगा, इस चीज़ की होड़ चल रही है इनकी, चाहे वो नंबर वन तो कांग्रेस है ही, आज की डेट में कांग्रेस का नंबर वन है ही, उसमें आप ये देखिए कांग्रेस ने विकास के लिए कितने काम किए, कितना कार्रवाई की, तो लोग तो कांग्रेस को चाहते हैं, हरियाणा में स्पेशली मुख्यमंत्री ने इतने काम किए हैं, एक एक इलाका आप देख लीजिए, पंचकुला से लेके जींद तक, सिरसा तक, और इधर गुड़गांव तक, और लास्ट में बाद तक, आप देखिए हर एरिया में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर काम में मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। आप विकास का नारा दे रहे हैं, वो भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, यानी कि ये इन दोनों के बीच ही ये इस बार चुनावी जंग देखने को मिलेगी। डॉक्टर गुरमीत, जब बीजेपी से पूछो तो वो भी कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल की वजह से आए, कांग्रेस के सांसद पहुँचे हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो भी यही कह रहे हैं, क्या सिर्फ वजह जो बताई जा रही है वही है या कुछ और? नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ जो तर्क दिया है बीजेपी के हमारे नेता ने, क्योंकि समाधि स्थल पे जाके फूल चढ़ाना अलग बात होती है और रैली में जाके भाषण साथ में देना वो अलग बात होती है, ये कहना कि देवीलाल के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए रैली में गए थे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुख्य बात यह कि सभी लोग अपने विकल्प खुला रखने चाहते हैं। आपको पता है कि वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, अगर मान लीजिए चौटाला साहब की भी कोई सीट आती है तो क्यों नहीं, भले हजका के साथ उनका संबंध है और उन्हें करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस के साथ तो जाएंगे नहीं चौटाला साहब अगर एक आध सीट आ गई, ना बीजेपी तो वो जो संबंध है, जब आपको पता है चौटाला साहब कांग्रेस के साथ जाने वाले तो दूसरे विकल्प, बिल्कुल, तो ये बेसिकली यही है, बादल साहब ऑलरेडी चौटाला साहब के मित्र हैं पारिवारिक, वो बीजेपी के साथ हैं, तो ये कहना कि कल को भाजपा जो है वो चौटाला साहब का सपोर्ट नहीं लेना चाहेगी, अगर एक आध सीट कुछ भी कहीं से आता है, तो जब केंद्र में सरकार बननी है तो उसके लिए उनकी कोशिश है, इस बार दो साल से वो दो बार से लगातार सारी कवायद लोकसभा चुनाव सारी कवायद लोकसभा विधानसभा फिलहाल बीजेपी मद्देनजर रखा नहीं, भाजपा की सारी कवायद तो फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बाद में आने, वहां पर बहुत बड़े स्टेक्स हैं इस समय जो लोकसभा में, लगातार 10 साल हो गए
जब भाजपा सत्ता से बाहर है, तो मेरे हिसाब से ये केवल एक गुडविल जेस्चर है देवीलाल जी का, से ज़्यादा ये केवल गुडविल जेस्चर है कि भाई आप थोड़ा सा वो एक वास्ता बना रहे जो संबंध है, कहीं से भी एक सीट भी आती दिखती है तो वो आए। और बाकी चौटाला साहब के लिए ये जरूर है कि क्योंकि ये रैली, अब मैंने भाषण वगैरह नहीं सुना लेकिन क्योंकि चौटाला साहब जब से जेल में गए हैं और अजय जी भी जेल में है, तो उसमें अभय चौटाला जो पार्टी को उनके पीछे चला रहे हैं उनका एक तरह से पहला ये शो ऑफ स्ट्रेंथ था, तो वो अगर नेचुरली अगर उन्होंने रैली जैसे कि ये बता रहे हैं अगर वो उसमें भीड़ जुटी है तो इनके लिए ज़रूर एक वो पार्टी को इकट्ठा करने की बात है। क्योंकि जेल में जाने के बावजूद हमें इसमें कोई दो राय लोग नहीं मान रहे कि हरियाणा में उनको आप खारिज करके इन लोगों को नहीं चल सकते, क्योंकि काडर उनका है अपना मजबूत है। और अभय चौटाला तो डॉक्टर गुरमीत पहले भी कह चुके, जब रेवाड़ी रैली में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा समर्थन बिना शर्त हम उन्हें दे रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ खुले, हालांकि मैं आपको एक और रोचक बात बता दूँ क्योंकि मैं खुद उस समय पत्रकारिता में था, जब शायद इनको याद भी होगा, जब चौटाला साहब और नरेंद्र मोदी ने 2004 में, नरेंद्र मोदी हरियाणा के इंचार्ज थे और मोदी जी तब भी एक स्टाइल से अग्रेसिव राजनीति करते थे, तब इनेलो को बहुत ज़्यादा सद्भाव नहीं रखती थी उनके प्रति, क्यों उनके अग्रेसिव पोस्चर्स की वजह से, पर राजनीति है। आज मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो इनेलो देखिए बढ़ चढ़ कर उनको, अभी से नहीं जब बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया था, इवन उससे पहले से इंडियन नेशनल लोकदल ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर मोदी, इनफैक्ट बादल साहब, दोनों पार्टियों ने बहुत पहले से कहना शुरू कर दिया था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रकाश सिंह बादल है वो एक पुल बनाने कड़ी की तो 100% बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें क्योंकि यहां उनका बीजेपी के साथ गठबंधन है ही पंजाब में, कोई दो राय नहीं है कि वो भाजपा जो है वो अपना विकल्प खुला रखेगी। बीजेपी क्यों नकारती है इसे? देखिए ऐसा है, बीजेपी के साथ अगर कोई इसके अंदर यज्ञ के अंदर हमारा साथ देना चाहता है तो चलता जाए, अश्वमेध यज्ञ चल चुका है बीजेपी का, और ये जो अश्व चल रहा है इसके साथ साथ जो भी रास्ते में आएगी पार्टी उसको इसके नतमस्तक नरेंद्र मोदी के आगे होना पड़ेगा। अब आपकी कोई शर्तें नहीं है क्या? किसी तरह की कोई शर्तें या कोई उसूल जिन सिद्धांतों की बात आप करते थे वो अब नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल, इसीलिए हम गठबंधन जिससे भी कर रहे हैं, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरोध में होगा, जो महंगाई के विरोध में होगा, जिसने अपने आप को प्रूव किया होगा कि ऑनेस्टी के ऊपर, हम उसी के साथ गठबंधन में रहेंगे। और इस यज्ञ के अंदर जो इस समय कांग्रेस ने इस देश की जो हालत की है उसको, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए कोई हमारे साथ चलता है तो चलता रहे, हम किसी से, किसी भी व्यक्ति से जिसके ऊपर कोई आरोप है। वैसे तो आप लोग कहते रहे कि हजका का साथ छोड़िए तब हम आएंगे आपके साथ, अब क्या है? देखिए राजनीति के अंदर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बयान बदलते रहते हैं, विकल्प खुले रहते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जिस प्रकार से जो हवा चल रही है और तूफान जिस प्रकार से चल रहा है गांव-गांव गली-गली मोहल्लों-मोहल्लों में, जिस प्रकार से एक कैडराइज मूवमेंट हमने खड़ी करी है, आज इंडियन नेशनल लोकदल का जनता के साथ सीधा यानी कि समझौता हो चुका है, लेकिन हमने खुले विकल्प तौर पर कहा है कि इस आंदोलन के अंदर, जो आंदोलन इस देश के अंदर, इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए अनेकों गुरु पीर पैगंबरों ने चलाई थी, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए जननायक विपुल चौधरी देवीलाल जी ने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो जन्म शताब्दी आज मनाई हमने, तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, वो एक संस्था के नाम, देवीलाल एक संस्था का नाम है, एक मिशन का नाम है, एक आंदोलन का नाम है, एक विचारधारा का नाम है, जिन्होंने इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष किया और ताउम्र उन्होंने संघर्ष किया और लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा करने का कार्य किया, इसलिए सभी लोग आज उनसे, यानी कि चाहे आज चंद्रबाबू नायडू की तरह से पार्टी से चल कर के आएँ, या मद्रास आपके दूसरे स्टेट से चल के आए, सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए कुछ ना कुछ, मात्र यानी के 14 साल की उम्र में वो जेल तक गए हैं, हर साल तमाम तो नेता जुटते हैं इस, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो जननायक विपुल चौधरी देवीलाल जी का एक विजन था और इस देश के अंदर व्यवस्था बदलना चाहते थे, और ख़ास तौर से इसलिए कांग्रेस के हमेशा विरोधी रहे क्योंकि जो हालात कांग्रेस इस देश के अंदर आज़ाद भारत से पहले हुआ करते थे अंग्रेज़ों के टाइम में, आज उससे भी बदतर आज देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की धज्जियां हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज कह रहे थे हमारे मित्र केवल जी
कि आज कानून व्यवस्था के इवन यानी कि केंद्र के मंत्री यहाँ तक कह चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश को बलात्कार प्रदेश बना देना चाहिए, नाम रख देना चाहिए। केवल तो जी, इस प्रकार से आज किसान अपने अंग बेचने आज के की रैली पे मैं फिर आती हूँ, क्योंकि एक वही है ना कि एक मंच होता है, आप सभी राजनीतिक दलों के नेता हैं, आप एक चुनाव भी हैं तो एक मंच मिल जाता है कि मुद्दे जहाँ पर चर्चा हो सके। केवल जी, मैं वापस आऊंगी इस रैली पर, राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचे थे, कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राव इंद्रजीत गए थे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है फूलचंद मुलाना जी, उन्होंने हाईकमान को लिखा है, वो लोकसभा के एमपी हैं, तो एमपी का फैसला जो है हमारी हाईकमान करती है। अभी उस उन्होंने जो अपना रैली पे गए हैं या जो उन्होंने अपना ये कार्य किया है उसके लिए फूलचंद मुलाना जी ने आज सुबह भी, बल्कि कुछ पत्रकार भाई आए थे उनसे बात करने, तो उन्होंने उनको कहा भी है कि हमने सेंटर को अपना मेन कांग्रेस को दिल्ली के उसको उनको लिख दिया है, उसके ऊपर डिसाइड हो जाएगा जो भी वो एक्शन लेंगे। आज इनेलो में चले गए हैं? नहीं नहीं, कौन नेता इनेलो में गए? ये मैंने अभी आपको बताया। नहीं, इनेलो में जो नेता गए हैं वो इनेलो, उनका हरियाणा में कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं था, पुराने टाइम के एक सिस्टम चला रहा है, इससे कांग्रेस को कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बेसिकली आपको एक मैं बात और बताना चाहूंगा, ये रैली इन्होंने इसलिए की है कि इनके जो विधायक हैं ये इनको छोड़ के ना जाएं, कांग्रेस का पूरा जनाधार है ये इन्होंने जो अपना, इनको मजबूरी हो रही है, इनके दो विपक्ष का ये नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी इनेलो के में मिल रही है या इनेलो बीजेपी में मिल रहा है, अभी तो ये कुछ डिसाइड नहीं है। केवल जी, मैं बात इनकी इनकी बात यही नहीं अभी क्लियर हुई है, इनका कोई स्टैंड भी क्लियर नहीं है कि ये क्या चीज चाह रहे हैं, लेकिन जहां तक इनकी बात है वो अपनी अपनी मजबूरी में अपना अपना काम दर्शा रहे हैं। मेरी आज अपने कुरुक्षेत्र के हमारे जिला अध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिट जी से वन टू वन बात हुई, वो नकवी साहब से मिले थे, बात हुई थी, सारी बात हुई है कि आज किस प्रकार से, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार का संदेश हमें ऊपर से आता तो हमारे आज सभी कार्यकर्ता भी उस रैली में होते। उन्होंने स्पष्ट रूप से किरमिट जी को कहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, कि आज मैं केवल एक परिवार के नाते से चौधरी देवीलाल जी के सम्मान के अंदर हमारे रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, रविंद्रजीत सिंह भी तो ठीक है ना, आप सभी जब जिस मिशन पे आए थे। केवल जी ने बोला है कि इंडियन नेशनल लोकदल या भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश के अंदर रैलियां यदि कर रहे हैं केवल अपना वजूद बचाने के लिए या अपने दिखाने के लिए, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल साल के अंदर दो निश्चित तौर पे उन्होंने यानी कि 23 सितंबर और 1 नवंबर दो रैलियां निश्चित की हुई हैं, ये चाहे आंधी आए तूफान आए ये रैलियां इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से होती ही होती हैं। तो ये जो आज की रैली थी क्या वो एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश थी क्योंकि चुनाव सामने हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे, जैसा कि पूरे देश के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी आज इस चुनावी का जो रंग रूप आज दिखा है तो वो नो डाउट के हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर भी आज चुनावी रंग चढ़ चुका है और लोगों ने आज मन बना चुका है, चाहे दलित है, पिछड़ा है, व्यापारी है, किसान है, आज लोगों ने मन बना लिया है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को यहाँ से चलता करना है, क्योंकि हर वर्ग दुखी है। इसलिए इतनी लाखों की तादाद में आज तक, क्योंकि भारतीय इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का कार्य किया है, इतनी बड़ी रैली आज तक प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये जो विपक्ष का काम है झूठ मूठ बात करना, झूठ मूठ की बातें फैलाना, बेसिकली जो कांग्रेस है वो विकास के मुद्दे पे लड़ती रही है और हमेशा कांग्रेस ने विकास किया है। आप किसी इलाके में जाके देखें पब्लिक को आज डिमांड में क्या है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वक्त खत्म हो रहा है चर्चा को, उससे पहले मैं डॉक्टर गुरमीत के पास जाना चाहूंगी। केवल ये जी, जो बात मुझे समझ आ रही है कि अभी वो भ्रष्टाचार महंगाई का मुद्दा उठा चुके हैं बीजेपी और इनेलो, अब विकास का मुद्दा लेकर 10 नवंबर को प्रदेश के अंदर रैलियों में आप कांग्रेस रैलियों में आप मुद्दे को लेके आती है।
इस पर भी बैठेंगे, कभी पंचकुला के विकास क्या हुआ, आप ये देखें हमारे विकास किया, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, आप एक अगर मेरे को टाइम दे मैं आपको शुरू करके एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता देता हूँ किस एरिया में क्या काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दूंगा किस एरिया में क्या काम हुआ। आप केवल जिस चीज का मुझे जवाब दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अगर ये देखे पंचकुला में शुरू कर लेता हूँ, अपन पूछ रहे थे पंचकुला में मुख्यमंत्री ने निफ्ट दिया, उसके बाद घोषणा की बात नहीं है, ये अभी इतना बुरा हाल है क्या आप अभी अभी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लीज डॉक्टर गुरमीत, एक तो राव इंद्रजीत सिंह का इस रैली में पहुंचना आप पहले किस तरह से देखते हैं, उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या रैलियों में जो जुटी भीड़ वो वोटर्स में तब्दील होती दिखाई देती है? नहीं, एक माहौल तो बनता है रैलियों की भीड़ से, और अब जैसे 10 नवंबर को आगे इनकी रैली हो रही है तो नेचुरली ये तुलना भी करेंगे एक दूसरे की रैली की, तो माहौल तो बनता है। एक इस देश में अभी भी रैलियों, हालांकि रैलियों में भीड़ लाई जाती है हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक माहौल, एक देश में हमारी राजनीति का एक अभिन्न वो है ये हिस्सा कि वहाँ पर आप एक मैसेज देने के लिए आप एक रैली करते हैं उसमें, और जैसे मैंने कहा उसमें देखना होता है कि रैली में भीड़ से ज़्यादा ये देखना होता है कि जोश कितना था, और वो वहाँ मौजूद हो के जो लोग जाएंगे ये लोग बीजेपी जो की तो हमने बात की कि वो एक विकल्प खुले रखना, इंद्रजीत जी भी यही कर रहे हैं, इंद्रजीत जी भी यही कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी अभी यही देखना है आगे, क्योंकि देखिए वो भाजपा से भी उनकी ऐसी बात चलती ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन भाजपा की वहाँ पर सुधा यादव ऑलरेडी अब राष्ट्रीय सचिव हैं, वो पहले वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो राव इंद्रजीत भी अपने विकल्प इस समय देख रहे हैं, ये उन्होंने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया कि मैं कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा। पारिवारिक नहीं 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 मैंने पहले ही कहा पारिवारिक रिश्ते के नाते आप घर जाते हैं, आप अस्पताल जाते हैं, आप समाधि स्थल पर जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते के नाते आप इस तरह की रैलियों में हाथ आपस में खड़े होकर हाथ नहीं लहराते। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक रैली थी इनेलो ने, और ये तो हर साल रैली पिछले साल भी हुई थी तब ये रिश्ते हर साल होते हैं, और मुझे ये भी याद है जैसे अशोक जी कह रहे हैं जितना मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ऐसा नहीं है, मैं भी 15 साल से हरियाणा देख रहा हूँ कि हर साल हुई होती है, बीच बीच में मिस भी हुई है रैलियाँ, तो इसलिए ये रैली निश्चित तौर पर एक राजनीतिक रैली थी, इस रैली के निश्चित तौर पर राजनीतिक अर्थ थे जो आने वाले समय में सामने आएंगे, अभी के लिए इतना ही है कि सभी लोग अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, राव इंद्रजीत भी देखना चाहते हैं कि क्या इनेलो टिकट पर लड़ना उनके लिए सही होगा या नहीं, बीजेपी अपना देख रही है कि भाई उनसे एक वास्ता बना रहे, चौटाला साहब से वो पूरी तरह संबंध नहीं तोड़ना चाहते, नहीं दरवाजे तो खुले रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है लिहाजा सियासत में तो हलचल अब रहेगी ही, बदलते सियासी समीकरणों पर हमारी भी नजर रहेगी। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए, हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर, खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।